खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चलते मंगलवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कहां हैं 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में। देश महंगाई से जूझ रहा है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह घोषणावीर हैं। वे अब तक हजारों घोषणाएं कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जैसा एक्टर कोई नहीं है। उन्होंने एक्टिंग में शाहरुख और सलमान को भी पीछे छोड़ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां शिवराज सिंह की जमकर खरीखोटी सुनाई। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने खंडवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज की 15 साल पुरानी सत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि खंडवा में कहां है रिंग रोड, कहां युवाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं के लिए कुछ करना होगा। इसके साथ उन्होंने अपने 15 माह के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में किसानों के कर्ज माफ किए जाने के आंकड़े भी बताए। हमने शुरुआत करी किसान का कर्जा माफ करने के लिए और आज शिवराज सिंह ने जितना भी झूठ बोला, मैं कहना चाहता हूं कि बुरहानपुर में 17,200 किसानों का पहली किस्त में कर्जा माफ हुआ। आप सब गवाह हैं। 58,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। खरगोन में 1,12,200 किसानों का कर्जा माफ हुआ। देवास में 1,13,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ, केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते का। हमारी सरकार गई, दूसरा किस्त स्टार्ट हो रहा था, चालू खाता वाले डिफॉल्टर। ये मेरा प्रयास था कि किसानों के हाथ में कोई ताकत है। क्या कहते थे, 15 लाख रुपए कहते थे ना, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहते थे, किसानों को 50% फायदा। 2019 के चुनाव में उन्होंने कोई बात नहीं कही किसान के बारे में, राष्ट्रवाद की बात करी। हिम्मत देखिए, उनकी पार्टी में एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं, और ये कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। मोदी जी ने GST, नोटबंदी और महंगाई, मैं आपको क्या कहूंगा, डीजल का क्या भाव है, हर चीज में सिलेंडर का क्या भाव है, ये जो चीज आप जानते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये तो सच्चाई है। और ये तस्वीर आपके सामने, हमारे कांग्रेस सरकार के 15 महीने के, 11.5 महीने के, कौन सा गुना मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी? किसानों का कर्जा माफ किया मैंने, नौजवानों के लिए रोजगार का नए मौके बने, व्यवसाय का नए मौके बने, इसका प्रयास किया। कौन सी गलती करी, कौन सा पाप किया, कौन सा गुना मैंने किया, ये मैं पूछना चाहता हूं। जब इसने निक्कर पहननी सीखी गई थी तब तो मैं सांसद था, और ये मुझे पाप पढ़ा रहे, ये अब मेरे से प्रश्न पूछ रहे 15 महीनों का। आइए बीजेपी के नेताओं, आप इस जनता को मूर्ख मत बनाइए, अपने 16.5 साल का हिसाब दीजिए, आश्वासन मत दीजिए, आप केवल हिसाब किताब दे देना जनता को। इन नौजवान पूछना, कमलनाथ को कोई पटा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, हम ये चालू रखेंगे, मध्य प्रदेश की पहचान बनाएंगे, मध्य प्रदेश में विश्वास आएगा। मैंने सब उद्योगपतियों से बात की, सबने कहा हम राजी हैं, पर आपकी एक छवि होनी चाहिए, विश्वास की छवि होनी चाहिए। जो व्यापारी है उसकी दुकान में जो तभी जाते हैं जब लोगों को विश्वास हो, तो यहां निवेश तभी आएगा जब विश्वास हो। ये मेरा प्रयास था, हमने शुरुआत करी 100 रुपए सही यूनिट का, मैंने घोषणा भी करी थी। मैं शिवराज से ही हूं, मैं अपने आप को मामा नहीं कहता, मैं आपको अपने आप को किसान का बेटा नहीं कहता, मैं तो कहता हूं मैं आपका भाई हूं, आपका सेवक हूं, यही मैं कहता हूं। मैंने ये मीडिया और पब्लिसिटी की राजनीति भी करी। खंडवा से EMS TV के लिए अकील आजाद की रिपोर्ट।